फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया और कल मार्केट क्या कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की, जो लेवल ये वाला सुबह मैंने मार्केट में अपडेट दे दिया था इस लेवल का, तो मार्केट पॉजिटिव में गैप अप ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश की, उसके बाद में फेल हुआ। और ये जो लेवल था 20,040 से लेके 50 का, ये मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में दे दिया था कि यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है। तो ये जो फॉल आया, इसको तो हम कैच नहीं कर पाए, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव था सेंटिमेंट, तो हमने इस फॉल को कैच नहीं किया। लेकिन ये जो अप मूव आया था, जो पुल बैक आया, इसे हमने कैच किया था। इसमें हमने लगभग 20 से 30 पॉइंट शायद कैच कर लिए थे। सॉरी, उसके बाद में जब यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेने लगा, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इतना बड़ा फॉल होने के बाद जो पुल बैक आया है, तो ये कंटिन्यूशन में यहाँ पे एटलीस्ट डे लो तक जा सकता है, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन था। तो मैंने 0-0 ट्रेड दिया था, जो फेल हुआ आज। बाद में मार्केट ऊपर जाके ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन अगर डेली में अगर देखेंगे तो क्लोजिंग जो है कल के क्लोजिंग से ज़्यादा कुछ ऊपर क्लोजिंग नहीं है। 20,100 का अगर पकड़ेंगे कल का क्लोजिंग 20,996 है, और आज का क्लोजिंग जो है 20,133 है। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है क्लोजिंग में। अभी कल के लिए अगर हम देखेंगे, पहले आपको आज का ट्रेड दिखा देता हूँ। टेलीग्राम चैनल में मेरा जो अपडेट है, मैंने ये सुबह ही बैंक निफ्टी का भी दिया था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट मैंने दिया था बैंक निफ्टी के लिए 44,755 का। तो जब गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता था, ये मैंने अपडेट दे दिया था चैनल में सुबह 9:00। यहाँ पे देख सकते हो आप, 9:16 में मैंने अपडेट दे दिया था यहाँ पे। तो और निफ्टी 50 का भी मैंने दे दिया था, ये इम्पोर्टेंट लेवल 20,110 का मैंने लेवल दिया था यहाँ पे। इसको मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश की थी 5 मिनट का, से दूसरा वाला जो कैंडल था, तीसरे कैंडल ने भी थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन बाद में ये बैंक निफ्टी का है जो मैंने लेवल दिया था एग्जैक्टली वहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल बना है वहाँ पे, तीसरा ही कैंडल ओपन होते ही नीचे आ गया, फिर वो नीचे ही चलता गया जो सेल आया था ये निफ्टी 50 का है। उसके बाद में निफ्टी 50 भी नीचे आ गया, निफ्टी बैंक तो पूरा नीचे ही आ गया। और यहाँ पे निफ्टी 50 ने जो यहाँ पे पुल बैक दिया, ये जो लेवल था मैंने कल के एनालिसिस में डाला हुआ था 20,040 का लेवल जो भी है, एक इम्पोर्टेंट लेवल था। यहाँ से जब पुल बैक लिया तो हमने ये वाला ट्रेड लिया था। बैंक निफ्टी का तो ये पूरा टारगेट ही आ गया था। बाद में ये जो पुल बैक आया था निफ्टी में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ये मूव कैच कर लिया था। बाद में मेरा एक्सपेक्टेशन था, यहाँ से जब ये फॉल आया है, यहाँ पे पुल बैक दिया, उसके बाद में कंटिन्यूशन में कम से कम डे लो के पास जा सकता है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन था कि एटलीस्ट 20,000 मार्केट टच करेगा आज, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज कल के लिए मार्केट क्या कर सकता है, कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज तो स्पेशल अगर देखेंगे तो इलेक्शन का एग्जिट पोल का रिजल्ट आने वाला है, तो मार्केट थोड़ा सा सेंटिमेंट जो है न्यूज़ ड्रिवन मार्केट थोड़ा सा रहने वाला है। अभी देखते हैं कल मार्केट पॉजिटिव खुलता है या नेगेटिव खुलता है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है कल के लिए, तो हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहने वाला है,
सबसे पहले अगर मार्केट गैप अप खुलेगा डे हाई के ऊपर अगर खुलता है तो हमारे लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस होने वाला है। पहले इसको रिमूव कर लेते सबसे पहले ये जो डे हाई है ऑल टाइम हाई है ये सबसे पहले रेजिस्टेंस बनने वाला है कल के लिए निफ्टी 50 में। अगर पॉजिटिव खुला गैप अप डायरेक्टली अगर गैप अप खुलता है यहाँ पे 20,220 के आसपास वहाँ से अगर रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो हमें यहाँ पे पहले सपोर्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे 20,130 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा। अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा तो हम सेलिंग के साइड में जाएंगे या सपोर्ट पे अगर कुछ प्राइस एक्शन बना के बाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पॉजिटिव भी रहेंगे। और एकदम बेरिश ही अगर मानना है कि मार्केट अगर गैप डाउन खुला या फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करने लगा तो हम ये जो लेवल था हमारा 20,046 का इसके नीचे हम सेल करेंगे और टारगेट हमारा रहेगा कल का डे आज का डे मतलब आज का ही डे लो और परसों का जो था ये डे लो उसके बाद में ये गैप फिलिंग भी हो सकता है। तो उसका अगर लेवल हम देखेंगे प्राइस लेवल लगा देता हूँ अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है डायरेक्टली इस लेवल पे भी अगर खुलेगा तो नीचे के लिए हमारा पहला टारगेट रहेगा ये वाला, दूसरा टारगेट रहेगा ये वाला 20,016, उसके बाद 19,960 और तीसरा टारगेट रहेगा हमारा 19,900 या 910-20 ये पकड़ के चल सकते हो। ठीक है तो बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने जैसे ओपन हुआ यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके सीधा नीचे आ गया, जैसे पैनिक फॉल आता है बिल्कुल बिल्कुल सस्टेन करने की कोशिश नहीं की, सीधा ही नीचे आया। यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने और एक रेंज बनाया यहाँ पे एक रेंज बन चुका है। ये जो रेंज है मार्केट की इसके ऊपर ब्रेकआउट देके मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की है लेकिन नेगेटिव कैंडल एक बना चुका है। तो अगर मार्केट फ्लैट भी खुलता है कल बैंक निफ्टी तो 600 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे। 600 अगर क्रॉस कर रहा है तो हमारा 755 ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद अगर हम अगले अगर पॉजिटिव अगर रहेगा तो आगे के अगर लेवल हम ये हमारा रहेगा सेकंड टारगेट और उसके बाद में 45,000 भी हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं कल बैंक निफ्टी में। ठीक है प्राइस लेवल लगा देता हूँ। सिक्स हंड्रेड के ऊपर ही हम बैंक निफ्टी को बाइंग का सोचेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें बाय कहाँ पे करना है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है 600 के ऊपर खुल के फ्लैट खुले फ्लैट ओपन हो या तो गैप अप ओपन हो, अगर गैप अप ओपन हुआ तो हम इस आज के डे हाई के ऊपर ही बाइंग करेंगे जो कि लेवल है ये वाला 44,760। उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा 44,950। उसके बाद का टारगेट रहेगा 45,000।
ये कल के लिए टारगेट रहने वाले हैं। अगर फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश अगर मार्केट करेगा, अगर सस्टेन नहीं कर रहा है या तो गैप डाउन खुल रहा है सीधा 44,250, अगर यहाँ पे खुल रहा है मार्केट और यहाँ से नीचे अगर जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट जो कि है 44,250, इसके नीचे जैसे निकलने लगेगा तो हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे। और नीचे के लिए हमारा टारगेट रहेगा 44,130। उसके बाद डे लो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा जो कि है 44,000, ये राउंड नंबर है। उसके बाद में ये गैप भी फिलिंग हो सकता है जो कि कल के लिए पॉसिबल हो सकता है 43,960 या 70, आप पकड़ के चलो। ये रहने वाले कल के लिए लेवल्स इंट्राडे के लिए। अभी एग्जिट पोल का रिजल्ट क्या आता है उसके ऊपर ही मार्केट ज़्यादा करके डिपेंड है, क्योंकि लग तो रहा है एज एक्स निफ्टी जो है अभी तक तो पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे 20,130 तो लगभग फ्लैट ही पकड़ के चलेंगे। लगभग फ्लैट ही है तो देखते हैं रिजल्ट एग्जिट पोल का क्या निकल के आता है, उस हिसाब से हम कल ट्रेड प्लान करेंगे। लेवल्स आपको लाइव मार्केट में अपडेट मिल जाएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर कमेंट भी कर लेना, और डेली अपडेट्स लाइव मार्केट में पाने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन जो है वो अभी तक एक्टिव, उसमें जो लिंक क्लिकेबल होता है वो अभी तक एक्टिव नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे एक लोगो डाल दूँगा मैं, मेरे टेलीग्राम के जो QR कोड होता है उसका मैं लोगो डाल दूँगा यहाँ पे, तो उसको स्कैन करके आप सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।